बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ चंदन कुमार, ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसे प्रूव करना है। यानी क्वेश्चन है प्रूव दैट सिग्मा एन टू वन टू एम कॉस टू द पावर एन थीटा इन टू कॉस एन थीटा, और इसे इक्वल प्रूव करना है कॉस टू द पावर कॉस की पावर एम प्लस वन थीटा इंटू साइन टू द पावर एम थीटा और होल अपान में साइन थीटा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले उसको देखेंगे वो क्या है। यानी सिग्मा एन बराबर वन टू एम एन कॉस की पावर एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा, यानी एन की वैल्यू पहले वन रखना है, उसके बाद टू फिर थ्री, और सिग्मा का मतलब होता है इसमें हमें प्लस करते जाना है। एन बराबर वन रखना है प्लस, एन बराबर फिर टू रखना है प्लस एंड सो ऑन, और तब तक जब तक कि एम ना आ जाए। और फिर राइट हैंड साइड जैसे जोड़ने पर जो सीरीज़ मिलेगी इसको राइट हैंड साइड के को लगना होगा लाना होगा। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा जब हम यहाँ पर एन की वैल्यू वन रखेंगे तो कॉस वन थीटा इंटू कॉस वन थीटा प्लस हो जाएगा सिग्मा को ओपन कर रहे हैं, यानी अब हम एन की जगह पर टू रखना होगा, वन के बाद टू आएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस टू थीटा प्लस इसी तरीके से कॉस थ्री थीटा इंटू कॉस सॉरी कॉस क्यू थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा, यानी जहाँ जहाँ पर भी एन है वहाँ पर वैल्यू रखना है हमको वन टू थ्री एंड सो ऑन जब तक कि एम ना मिल जाए, यानी अप टू एम टर्म। यानी कॉस में पहले वाले में पावर एन है और बाद वाले में थीटा का एन टाइम्स है, तो ऐसे ही हर एक टर्म में ऐसे ही होगा। अब इस सीरीज को हमें एम टर्म तक सम करना है। तो ये देख रहे हैं कि कोसाइन सीरीज़ है, कोसाइन सीरीज़ को हम लोग यूजली सी से डोनोट करते हैं, यानी ये जिसकी वैल्यू निकालना है वो सी है, सी मान लिया। जो कोसाइन सीरीज़ है यानी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस टू थीटा। इस सीरीज़ में भी दो सीरीज़ हैं, एक में एंगल जो है एपी में है और दूसरे में देख रहे हैं कि पावर लगातार बढ़ रही है इसकी, यानी जीपी में है, दो पार्ट में ये बटा हुआ है। तो ऐसे केस में हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग साइन सीरीज़ लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं जिसमें एंगल एपी में होते हैं बस उसमें कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट करना होता है और बाकी सेम रहेगा, ऐसे रहेगा एज इच। यानी कॉस थीटा इंटू यानी जहाँ जहाँ पर भी कॉस है उसकी वैल्यू को साइन कर देंगे, एंगल भी रहेगा वही और बाकी सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ इस वाले को साइन को कॉस को साइन कर देंगे साइन टू थीटा प्लस कॉस की पावर थ्री थीटा इंटू साइन थ्री थीटा प्लस एंड सो ऑन अप टू एम टर्म। Therefore, C प्लस आई एस इज इक्वल टू, इनको जब ऐड कर रहे हैं तो इनको जब ऐड कर रहे हैं तो cos थीटा यहाँ से कॉमन हो जाएगा, cos थीटा को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और प्लस इसमें से cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा cos टू थीटा प्लस का आई इंटू साइन टू थीटा प्लस कॉस की पावर थ्री थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा प्लस आई यानी साइन क्यू कॉस क्यूब यहाँ पर कॉमन लिया तो पहले वाले में कॉस थ्री थीटा बचा, दूसरे वाले में आई साइन थ्री थीटा और प्लस एंड सो ऑन अप टू एम टर्म्स। तो यूलर फार्मूले से हम लोग जानते हैं कि कॉस जेड प्लस आई साइन जेड की वैल्यू जो होती है वो ई की पावर आई जेड हो जाएगी। तो हर एक ब्रेकेट जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें यूलर फार्मूला लगा देंगे तो सी प्लस आई एस की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, यानी कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसे लिख देंगे थीटा की यानी जेड की जगह पर अपना यहाँ पर टू थीटा है तो आ जाएगा टू आई थीटा प्लस नेक्स्ट टर्म है कॉस क्यू थीटा इंटू ई की पावर थ्री आई थीटा प्लस एंड सो ऑन और अप टू ये एम टर्म है, एम टर्म तक इसको लिख दिया हम लोगों ने। अब हमें इस सीरीज़ का सम करना और ये कम्प्लीटली अब जो सीरीज़ हमको सी प्लस आई एस वाली मिली है ये जी पी है, और इसे कम दिखाने के लिए थोड़ा शो करने के लिए हम लोग जिसे ऐसे लिखेंगे, यानी इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा ई की पावर आई थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इस कॉस होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ई की पावर आई थीटा का स्क्वायर हो जाएगा टू आई थीटा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म को लिखा जा सकते हैं इस तरीके से कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू एम टर्म। तो देख रहे हैं एक ही चीज़ है जिसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही है, एक पावर बढ़ रही है, इसी को जीपी बोलते हैं और जीपी के यहाँ पर एम टर्म का हमें सम करना है।
इस क्वांटिटी को हम सॉर्ट में करने के लिए थोड़ी देर के लिए x मान ले रहे हैं, आगे चल के हम x जो हमने माना इसको वैल्यू वापस कर देंगे क्योंकि अपनी तरफ से माना हुआ होगा, हमें तो ये थीटा के फार्म में दे रखा है। तो अगला टर्म एक्स स्क्वायर हो जाए क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा वो तो x हमने मान लिया, और उसकी पावर जो जो हुई है वो लिखेंगे अप टू एम टर्म्स। इससे हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आने लगेगी ये सीरीज जो एम टर्म तक है वो एक जी पी सीरीज़ है, और जी पी सीरीज़ के एन टर्म का फार्मूला होता है, पहले हम फार्मूले रख देते हैं। एन टर्म का फार्मूला ये होता है ए वन माइनस आर की पावर एन अपान वन माइनस आर, ये तो आइडेंटिटी होती है मतलब जी पी के एन टर्म का सम। यहाँ पर सभी लोग जानते हैं ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है और आर जो होता है कॉमन रेशियो होता है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिमांड कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हमसे दूसरे वीडियो के लिए। तो कॉमन रेशियो यहाँ पर लिख दिया, यानी जी पी के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो इस सीरीज़ का सम हम कर रहे हैं जो सी प्लस आई एस है, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म देख रहे हैं वो भी ए है सॉरी एक्स है, और कॉमन रेशियो भी यानी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू भी देख रहे हैं हम कि एक्स ही के बराबर आएगी, यानी किसी भी टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिलती है वही कॉमन रेशियो कहलाती है, आर हो गई। तो वन माइनस एक्स की पावर एम, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज़ में एम थे और हमें एम टर्म तक सम करना था। अब हमने सम जब कर लिया तो जब तो हम एक्स की वैल्यू वापस कर देंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू इसे देखने के लिए कि जी पी है और जी पी के एम टर्म का सम कितना होता है उसके लिए माना था, जिसका काम खत्म हो गया। अब एक्स की वैल्यू जो थी उनकी वैल्यू वापस कर दें। एक्स क्या था, ये था यानी कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा। अब हमारा फोकस रहेगा कि जो सीरीज़ जिसका सम हमें निकालना है एम टर्म तक वो कोसाइन सीरीज़ है, जबकि हमें अभी जो मिली हुई है ये सी प्लस आई एस है, यानी इसमें कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज दोनों कंबाइंड फार्म में है और कॉम्प्लेक्सली फार्म में। तो हम इनको यहाँ से सी सीरीज़ जो चाहिए उसे अलग करेंगे जो कि रियल पार्ट में है, तो इसको राइट हैंड साइड में हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, और हमारा रियल पार्ट की ज़रूरत होगी उसको हम अपनी तरफ ले लेंगे, यानी रियल पार्ट को कंपेयर करके रियल को अलग कर लेंगे। सी चाहिए हमें, एस से मतलब नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम यह है कि डिनोमिनेटर से हमें आई को हटाना होता है, तो आई मतलब कॉम्प्लेक्स को हटाना होता है, रियल में बदलना होता है, और तो ये काम पहले रहेगा। इसका डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे इंटू करेंगे, कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा, और थोड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हुए चलें। इसमें ब्रैकेट जब हटाएंगे तो कॉस की पावर भी एम हो जाएगी और यहाँ पर ई की पावर आई थीटा की पावर भी एम हो जाएगी। और जो मेन काम चल रहा है वो डिनोमिनेटर में है कि इसके कंजुगेट का हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कंजुगेट इसका क्या होगा, तो कंजुगेट हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालते हैं तो बस आई के साइन को चेंज करना होता है, तो जहाँ जहाँ पर आई है वहाँ पर माइनस आई थीटा रख देंगे, बाकी जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ई की पावर माइनस आई थीटा। अब अगर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में देखेंगे रियल अपने आप ही बन जाएगा, और क्योंकि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में ये प्रॉपर्टी होती है कि उस नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन रियल वैल्यू आती है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो वन का इंटू पहले हम डिनोमिनेटर को इंटू कर रहे हैं, वन का इंटू इन दोनों टर्म में करेंगे तो ये दोनों टर्म मिलेंगे, वन माइनस कॉस थीटा इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा। अब इस माइनस कॉस थीटा के इन दोनों टर्म में इंटू करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को इंटू करेंगे ई की पावर आई थीटा में प्लस हो जाएगा ये माइनस का आई थीटा, ये पावर माइनस की थी इसलिए। और यहाँ पर इस ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे तो ये पावर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा इंटू वन माइनस कॉस की पावर एम थीटा इंटू ई की पावर आई इंटू एम थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा। अब हम क्या करेंगे कि इस इन दोनों ब्रैकेट्स का भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी मेन मकसद है कि रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो कॉस थीटा इंटू की पावर आई थीटा इस दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और हमको इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। पहले हम वन का इंटू दोनों टर्म्स में करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी वन माइनस कॉस थीटा इंटू की पावर माइनस आई थीटा। अब इस कॉस की पावर एम का इस टर्म दोनों टर्म में इंटू करेंगे तो पहले टर्म में इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा माइनस कॉस की पावर एम थीटा इंटू ई की पावर आई एम थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉस की पावर एम प्लस वन थीटा आ जाएगी इंटू ई की पावर, ये पावर जुड़ जाएंगी
जुड़ने का मतलब है कि विद साइन जुड़ जाएंगी, तो माइनस का आई थीटा इसके साथ में आ जाएगा। तो हमने इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, वन माइनस इस इन दोनों टर्म्स में हमें कॉस थीटा कॉमन नज़र आ रहा है, तो कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है ई की पावर माइनस आई थीटा और प्लस ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये देखेंगे पावर प्लस माइनस कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि आई डिनोमिनेटर में आई को ख़त्म करना है, ख़त्म हो जाएगा। वन माइनस कॉस थीटा इंटू ये वैल्यू जो होती है वो टू कॉस थीटा के बराबर होती है, क्योंकि आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी जानते हैं। आइडेंटिटी यहाँ पर हम लिख देते हैं लास्ट में कि कॉस थीटा की कॉस जेड की आइडेंटिटी होती है ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड अपन टू होता है, टू का इधर इंटू करेंगे तो टू कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर अप्लाई करके लिख सकते हैं ये वैल्यू टू कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी ई के बाद ज़ीरो की वैल्यू वन होती है, और यहाँ पर पावर पहले हम ऐड कर लें फिर इस तरह बाहर से ये ब्रैकेट है खोलेंगे इसका अंदर इंटू हो जाएगा, यानी कॉस थीटा का भी हर एक टर्म में इनका इंटू कर देंगे, यानी कॉस ई की पावर आई थीटा का हर एक टर्म में इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमें कर देना चाहिए अब इसमें मल्टीप्लाई, यानी इस फर्स्ट वाले वन में करेंगे इंटू तो यही आ जाएगा कॉस थीटा इंटू की पावर आई थीटा, जब सेकंड वाले टर्म में इंटू करें तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ई की पावर यहाँ पर आई थीटा प्लस का और आई थीटा इधर माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म में इंटू करें माइनस कॉस की पावर एम प्लस वन थीटा हो जाएगी और ई की पावर यहाँ पर आई थीटा और उधर आई एम थीटा को साथ में लिख दिया, इंटू होने पर पावर ऐड हो जाती है। इस टर्म का लास्ट वाले टर्म में इंटू करें तो कॉस की पावर एम प्लस टू हो जाएगी थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा ये, और पहले से मौजूद यहाँ पर है बराबर आई एम थीटा माइनस आई थीटा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर तो सॉल्व हो चुका है, न्यूमरेटर भी बहुत हद तक सॉल्व हो चुका है, जो बचा है पहले वो लिखते हैं फिर डायरेक्ट रियल पार्ट को यहाँ से अलग करेंगे सेपरेट करेंगे। कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये वैल्यू ई की पावर ज़ीरो हो जाएगी, ये वैल्यू वन हो जाएगी। कॉस की पावर एम प्लस वन थीटा इंटू ई की यहाँ पर हम आई कॉमन ले लेंगे साथ में थीटा भी कॉमन लेंगे, तो एम बचेगा इसमें वन बचेगा इसमें, तो एम पहले लिख दिया वन बाद में और थीटा प्लस कॉस की पावर एम प्लस का टू थीटा इंटू ई की पावर आई एम थीटा अपान में वन माइनस का देखेंगे टू और कॉस में कॉस का इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में ये टू टाइम्स है माइनस के और प्लस के वन टाइम्स, तो वन टाइम्स माइनस के बचेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और हम अब डिनोमिनेटर से रियल पार्ट को अलग करके अभी जो वैल्यू चल रही है हमारी वो सी प्लस आई एस के इक्वल चल रही है। अगर यहीं से हम सी वैल्यू निकालना चाहें तो अपान में तो रियल ही था, ऊपर ये कॉम्प्लेक्स था, तो कॉम्प्लेक्स से हम रियल पार्ट को अलग कर लें, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, इतना ध्यान रहे बस कि ई की पावर आई जेड की वैल्यू होती है कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, तो ई की पावर वाला जब हम निकालेंगे उसमें कॉस जेड ही लेंगे, यानी आई का जो कॉफिशेंट है वो लिख लेंगे और कॉस लिख लेंगे, ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे तो थोड़ा डायरेक्ट होगा, यानी जो कॉफिशेंट है जैसे कॉस थीटा वो तो वही रहेगा, और ई की पावर में जो लिखा है बस हमें ये कॉस थीटा ही देना है, जैसे अभी बताया था हमने कॉस जो भी एंगल लिखा है कॉस थीटा लिया जाएगा यहाँ पर, ई की आई थीटा का रियल पार्ट कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ई की पावर ज़ीरो की वैल्यू वन होती है माइनस कॉस की पावर एम प्लस वन थीटा इंटू यहाँ पर देखिए दोबारा से हमें वही चीज़ मिल रही है कि आई ई की पावर आई, तो जिसमें दो पार्ट होते हैं रियल और इमेजिनरी, तो इसका जो यूलर फार्मूले से हम लोग रियल पार्ट ही लिख देंगे, यानी कॉस लिखेंगे और आई का जो भी कोएफिशिएंट है वो एंगल में पहुँचा देंगे, बस सेपरेट हो गया ये रियल पार्ट अलग हो चुका है। इसको हमने बिल्कुल ही कम्प्लीटली नहीं दिखाया कि रियल अलग इमेज लिखें और बाद में सेपरेट करें, काफ़ी बड़ा हो जाता है, बड़े सवालों को हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो जो कोएफिशिएंट है वो लिखते हैं कॉस की पावर एम प्लस का टू थीटा और इसमें ई की पावर में है, तो हमने जैसे बताया था ई की पावर आई जेड का दोबारा से बता रहे हैं कॉस जेड प्लस आई साइन जेड हो तो बस कॉस जेड लिखना होगा, यानी कॉस लिखने और जो भी आई को कोएफिशिएंट है यानी एम थीटा वो लिख देंगे, तो रियल पार्ट ये सेपरेट हो चुका है। अब हमें जो आंसर है वो प्रूव करना है, वैसा लेके आना है, तो इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, बाकी तो सॉल्व हो चुका है, यानी सी की वैल्यू आ चुकी है कॉस इंटू कॉस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो अगला टर्म भी देख रहे हैं माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन के इंटू होने के बाद
माइनस बचा है कॉस की पावर एम प्लस वन थीटा इंटू कॉस ऑफ एम प्लस वन थीटा और प्लस कॉस की पावर एम प्लस टू थीटा इंटू कॉस एम थीटा अपान वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, जो से हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, लिख सकेंगे लिख देंगे, हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में देखने कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ये कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास जो टर्म बचे हुए हैं उनको लिखना है और जो प्रूव करना है वो करीब करीब आने वाला है। हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना है वो देखना है। तो इन दोनों टर्म में इस प्लस वाले टर्म को हम अपान में जो है साइन स्क्वायर वो तो लिख लेते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर ये टर्म है इसमें प्लस वाले टर्म को पहले लिख लेंगे, यानी दोनों में कॉमन जो है वो ले लें कॉस एम प्लस वन जो हमें प्रूव करना है वो, और ये बचेगा टर्म और इसमें एक पावर बचेगी और एम थीटा बचेगा। तो इन टर्म्स को हमें लिखना है बाकी। तो इस टर्म को जो है हम लिखते हैं, और तो इसकी ये तो पूरा पूरा एक पावर बच रही है यानी कॉस थीटा इंटू कॉस लास्ट में एम थीटा है, और फिर माइनस वाले टर्म ये बच रहा है इसको लिखेंगे कॉस एम प्लस वन थीटा। अब यहाँ पर हम थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस की पावर एम प्लस वन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस एम थीटा। तो इस थीटा का जब दोनों में इंटू होगा तो कॉस एम थीटा प्लस थीटा हम इसलिए ऐसा किया, हमें ए समझेंगे इसे बी समझेंगे, और कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, कॉस ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो कॉस की पावर एम प्लस वन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस एम थीटा, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है कॉस ए कॉस बी, यानी ए ये है बी ये है, और फिर प्लस होता है तो हम लोग जानते हैं कॉस वाले सर में माइनस होता है साइन ए और साइन बी, ये लिख दिया अपान में साइन स्क्वायर थीटा। देखेंगे जब ब्रैकेट ये ओपन होगा तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का जो इस प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा, और जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसको हम लोग लिखेंगे कॉस की पावर एम प्लस वन थीटा इंटू माइनस प्लस हो गया साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा होल अपान में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे साइन की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कॉस की पावर एम प्लस वन थीटा इंटू साइन एम थीटा अपान साइन थीटा, और यही हमको प्रूव करना था। तो इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग दिस।